सब्सक्राइब कीजिए आईएफ चॉइस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता था आप लोग जैसे ही सिचुएशन की रिएक्शन को देख लेते हैं आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ अलग तरीके से सिचुएशन के रिएक्शन टेस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तभी एक चोर आपका बैग लेकर चला जाता है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, आपकी आग वाग लग गई और कोई चोर लेकर चला गया आपका बैग, तब आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, क्या सोच रहे हैं? इसमें आपको जवाब नहीं मिलने वाला है? नहीं, अभी इसका आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। सोचिए और कमेंट में लिखिए कि आप क्या करते यदि आपका बैग लेकर कोई चला जाता, तो आप क्या करते? मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ, रिएक्शन आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है ना? तो चलिए, सेकेंड जो सिचुएशन है, आपने देखा कि आपकी बहन अनजान अजनबी के साथ टहल रही है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए कहीं पर भी आपके घर के बाहर या घर के आसपास ही कहीं भी आपकी जो बहन है वो किसी अजनबी के साथ घूम रही है, आप बताइए क्या करेंगे? पॉजिटिव हमेशा रहिएगा, ये आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। इसमें एक भी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी, लास्ट में मिलेगी सारी की सारी जो आपकी रिएक्शन दी गई हैं वो लास्ट में दी गई हैं। आप सरकारी विभाग में काम करते हो, मान लीजिए क्या करोगे आप जब आप एक सरकारी विभाग में काम करते हो, आपका आपके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है तथा आपको पता चलता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या करोगे? रिएक्शन आपको बाद में मिलेगी, बोला था ना, रिएक्शन आपको बाद में मिलेगी। मैं तो आपको नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। आप सड़क पर टहल रहे हैं, वहीं आपको एक सांप मिलता है जो आपको काटने के लिए तैयार है, आप क्या करेंगे? बताइए बताइए और कमेंट में लिखिए, मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। यदि आपके भी पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिनकी रिएक्शन भी आपको अच्छी खासी पता हो तो मुझे भेजिए और मैं उन सिचुएशन को भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? मान लीजिए नेक्स्ट जो सिचुएशन, वो आपके माता पिता का डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए, अब आप क्या करेंगे बताइए 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 आप क्या करेंगे? कमेंट में लिखिए क्या सोचते हैं आप। एंड जो लास्ट है आपकी सिचुएशन, वो है आपकी आंटी का मैरिटल अफेयर्स किसी के साथ है, आप क्या करेंगे? चलिए, अब मैं आपको सभी की रिएक्शन बता देता हूँ। जो आप देख रहे हैं पहली जो सिचुएशन की रिएक्शन है, मैं आरपीएफ को इन्फॉर्म करूँगा एक्शन लेने के लिए, यानी कि वो कोई एक्शन ले इसलिए उन्हें इन्फॉर्म करूँगा। एंड जो सेकंड है, मैं उनके पास जाऊँगा तथा उनसे पूछूँगा ये कौन है, यानी कि आपकी जो बहन आप टहल रही थी आपने देखा था, तो आप उनके पास जाइए, उन्हें कंपनी दीजिए और पूछिए उनके बारे में ये आप जिन्हें आप नहीं जानते। ये थर्ड क्वेश्चन की रिएक्शन आपको दिख रही है वो है, मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूँगा तथा अपने पिताजी को देख ले जाऊँगा। यदि आप जिस किसी भी सरकारी विभाग में काम करते हैं उसमें अपने सीनियर को इन्फॉर्म कीजिए और अपने पिताजी को देखने चले जाइए बड़ी आराम से। एंड चौथे क्वेश्चन की रिएक्शन है, मैं वहाँ से जल्द निकल जाऊँगा। आपने साफ देखा था ना, मिला लीजिए कौन से सिचुएशन की कौन सी रिएक्शन है, आप मैच करके देख सकते हैं। अपने माता पिता के पास बैठेंगे तो मैटर को सॉल्व करेंगे जो उनके बीच क्रिएट हो गया इशू, कोई भी छोटे मोटे झगड़े तो हमेशा चलते ही रहते हैं, आप सभी को भी पता होंगे, होते हैं ना, हो जाते हैं यार। आंटी तथा अंकल के साथ मिलकर मैटर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, पसंद आए तो यार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए यार, क्योंकि मेरा इससे उत्साह बढ़ता है। यदि आपके भी पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे भेज दीजिए ईमेल पर, मेरी ईमेल आईडी है
सुमित कुमार FZD21@gmail.com इस पर भेज दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय जवाहर, टेक केयर। यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हो, यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं सारी